जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और होली के त्यौहार की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। ये रंगों का त्यौहार, जहाँ रंग एक दूसरे पे डाल करके हम खेलते हैं, वहीं होली के त्यौहार पर गले मिलकर के एक दूसरे को गुजिया और मिठाई खिला करके जो पुरानी तमाम चीज़ें उनको भूल करके होली के त्यौहार में गले लगाते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है, जिस तरह अलग अलग रंग से हम होली मिल कर के खेलते हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में अगर अलग अलग जाति धर्म के लोग मिल कर के एक साथ रहते हैं। अब वो होली कहीं और मना रहे होंगे और ये तो शुरुआत है, होली के बाद कहीं और मन रही होगी होली। जनता तैयार है और पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए, वहीं जनता को ये भी अविश्वास है कि कहीं सरकार में भारतीय जनता पार्टी बेईमानी पर न उतर आए, क्योंकि 3 किसानों के लिए जो कानून बने उससे खेती बर्बाद हो गई। हम जानना चाहते हैं, बताओ, धान की कीमत नहीं मिली, मक्का की कीमत नहीं मिली, चने का खरीद नहीं पाए, आलू के लिए व्यवस्था नहीं है, मटर आकर के बाज़ार से चली गई, कोई व्यवस्था नहीं, ऊपर से डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, कोई कल्पना कर सकता है इतनी महंगाई हो जाएगी, कोई नौकरी रोजगार नहीं, लोगों के हाथ में काम नहीं, इस वैश्विक महामारी का डरा करके लोगों का वेतन छीन लिया, लोगों का काम छीन गया, लोग परेशान हैं। इस परेशानी से निकालने की बजाय जनता को और परेशान कर रही है सरकार। देखिए, ये आज का त्यौहार ऐसा है कि बुरा ना माने होली है, लेकिन फिर भी ये बात कहनी चाहिए कि जितना भेदभाव भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इतना भेदभाव कभी समाज में नहीं हुआ, इतनी नफरत की राजनीति कभी नहीं हुई। और ये तमाम उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण ऐसे हैं जहां हम ये कह सकते हैं कि सरकार भेदभाव से काम कर रही है। शेर पले बड़े यहां पर, उनको ट्रेन किया यहां पर, लाइन सफारी शुरू होनी चाहिए थी। लाइन सफारी इसलिए नहीं शुरू हो रही क्योंकि ये न केवल प्रदेश का, देश का, बल्कि दुनिया का अट्रैक्शन बनेगा। लोग यहाँ आएंगे, नौकरी रोजगार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, टूरिस्ट आएंगे, पैसा खर्च करेगा, कोई ना कोई पैसा कमाएगा। इसलिए जानबूझ करके सरकार भेदभाव कर रही है इटावा से और समाजवादी कार्यक्रमों से। जितनी भी समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी वो लेट की गई, लेट कर करके अपना ठप्पा लगाने की कोशिश की, नाम बदलने की कोशिश की, और अब तो पटिया बदलने, जब 4 साल गुजर गए तो पटिया बदलने के स्तर पे आ गए हैं। हमें उम्मीद है आने वाले समय में होली का त्यौहार, जो इस साल का, इस सरकार का आखिरी त्यौहार होगा, आने वाले समय में प्रदेश को नई सरकार में नई होली मनाने का मौका मिलेगा।